एवरीवन, मैं सपना एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसके नाम है द ओपन सीक्रेट डायरी। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाने वाली हूँ कि अपने स्किन टोन के हिसाब से अपने लिए राइट फाउंडेशन कैसे चुने। कि हमारे इंडिया में क्या होता है ना, सभी फाउंडेशन यूज़ नहीं करते, स्पेशली लेडीज़ फाउंडेशन यूज़ करना उतना पसंद नहीं करती या नहीं करती, बट कोई ओकेजन आता था तो सब भाग के जाते शॉपिंग करने और फाउंडेशन खरीदते, और वो लोग हर बार गलत शेड उठा के लेके आते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि आप अपना फाउंडेशन कैसे चुन सकते हैं। आप दुकान वाली दीदी पे या भैया पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो, खुद कैसे कर सकते हो आप, मैं आपको वो सिखाने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो सारे वीडियोस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है ना, फाउंडेशन अगर आप चुनने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो, तो सबसे पहली बात जो होती है हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारा स्किन टोन क्या है, या कि हमारी स्किन का अंडर टोन क्या है। हम लोग कूल टोन के हैं या वार्म टोन के हैं, और ये कैसे पता चलता है, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप अपने हाथ में देखोगे ना, तो ये जो नर्व्स वगैरह दिखते हैं ना, अगर ये ग्रीन दिख रहे हैं तो मतलब आप वार्म टोन के हो, और अगर ये ब्लू लग रहा है तो आप कूल टोन के हो। ज़्यादातर इंडियंस वार्म टोन के ही होते हैं। सो अगर आप मोस्टली हमारा सबका नर्व्स ग्रीन दिखता है, तो मुझे भी वही दिखता है, मेरा वाला भी ग्रीन ही है, सो मेरा भी वार्म अंडर टोन है। सो हमारे लिए बेस्ट फाउंडेशंस वो होते हैं जो येलो टोन वाले होते हैं। सो अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप दुकान में जाओगे ना, तो आप उनको बोलने के बजाय आप खुद बोलना कि हमको येलो टोन वाले फाउंडेशंस दिखाओ या वार्म टोन वाले फाउंडेशन दिखाओ, कूल टोन वाले नहीं देखना। क्योंकि कई बार हमारे कंट्री में क्या होता है ना, कई बार उनके पास कूल टोन वाले फाउंडेशन हमेशा बचे रहते हैं। तो जैसे आप दुकान में जाते हो ना, और उनको समझ आ जाते कि आप सिर्फ फाउंडेशन मांग रहे हो, उसको पता था आपको नहीं पता, तो वो आपको कूल टोन वाले ही सारे फाउंडेशन दिखाते। बट अगर आप डायरेक्ट जाके उनको बोलोगे कि हमें वार्म टोन वाले फाउंडेशन दिखाओ या येलो टोन वाले फाउंडेशन दिखाओ, तो उन्हें लगेगा कि आप जो चीज़ खरीदने आए हो, आपको उसके बारे में नॉलेज है, आपको क्या चाहिए, तो आपको बुद्धू नहीं बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है ना, कि जब वो आपको फाउंडेशन देते हैं तो वो इधर हमारा इधर या यहाँ पे आपको चेक करके दिखाते हैं कि कलर मैच कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि बट ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी, क्योंकि ये कलर, यहाँ का कलर या ये कलर आपके फेस से हमेशा थोड़ा ब्राइट रहता है, क्योंकि आप इसको ज़्यादा धोते हो कई बार, और कलर डिफरेंस रहता है दोनों का। तो आप अगर आप फेस के लिए कोई चीज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप हाथ पे तो चेक करके नहीं लेना चाहिए। सो अब फेस का कलर और हाथ का कलर अगर अलग है, और आप अगर इसके हिसाब से फाउंडेशन लोगे, तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा लाइट टोन ले लोगे, सो वो तो सही नहीं रहेगा। तो इसलिए हमेशा आप जब फाउंडेशन खरीदो, तो उसको हाथ पे ना चेक करके आप यहाँ पे चेक कर लो। अब यहाँ पे मैं क्यों बोल रही हूँ, उसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या है, आपके फेस का कलर और गले का कलर भी हमेशा डिफरेंट रहता है। सो उस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए या उसको एक कलर में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम कलर का फाउंडेशन आप दोनों जगह नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप फेस के हिसाब से सिर्फ ले रहे हो, तो आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप फाउंडेशन लो, तो जैसे मैं ये कर रही हूँ, इसमें से थोड़ा सा मैं ऐसे निकालूंगी, पम्प करूँगी, ये हुआ, और इसको मैं यहाँ लगा के चेक करूँगी, राइट। सो ऐसे क्या होता है ना, कि मेरे को एक ऐसा कलर मिल जाता है जो मेरे फेस से थोड़ा ब्राइट रहता है और मेरे गले के कलर से भी थोड़ा मैच कर जाता है, या मेरे गले और फेस को एक टोन में ला सकता है। क्योंकि ये करने के बाद आप देखोगे दोनों का टोन ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, इस पोर्शन में पूरा फेस और ये ऑलमोस्ट सेम कलर का हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब भी फाउंडेशन लोगे आप, तो आपके नॉर्मल कलर से एक दो शेड लाइट हो। क्योंकि क्या होता है, अगर लाइट होगा तो धीरे धीरे वो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होगा तो वो ब्लैक हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ एक शेड लाइटर ले रहे हो,
तो वो बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो दो तीन शेड अगर आप लाइटर ले रहे हो तो वो आपके धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है, ज़्यादा देर तक वो कलर बना रहता है, वो ब्लैक नहीं हो जाता है। और दो लाइट टोन जो है कम वो यूज़ कर लो, इधर में ऑलमोस्ट सेम कलर ही देगा। बट कभी भी गले और फेस का कलर अलग नहीं रखना, क्योंकि थोड़ा अजीब हो जाता है। तो ट्राई चूजिंग द कलर जो दोनों को सेम बना के रखे। फाउंडेशन कैसे चुनना है आपको, आपको अपना अंडरटोन चेक करना है, उसके बाद उसको कभी भी हाथ पे ना चेक करो, आप इधर गले और इसके बीच में यूज़ करके देखो, ताकि आपको एक्यूरेट कलर पता चल जाए कि आपको क्या लेना है। स्किन के कलर से दो या तीन शेड कम लाइट लेना आप, ताकि वो ऑक्सीडाइज हो तो वो ज़्यादा ब्लैक ना हो जाए। और हमेशा मेंटेन करना कि गले और फेस पे वो सेम फाउंडेशन लगाने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, सेम लगे। सो या इन तीन चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप फाउंडेशन ख़रीदने जाओगे तो आप कभी भी गलत फाउंडेशन नहीं ख़रीद के आओ, हमेशा सही शेड उठा के लाओगे एंड पैसे का सही यूटिलाइजेशन होगा। तो बस आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ बहुत सारा शेयर करें। और अगर आपकी कोई अलग रिकमेंडेशंस है या आप कुछ और भी जानना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। और उसके अलावा मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।